हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन, पोस्टर मेकिंग के बारे में कि कैसे साइंटिफिक और रिसर्च और रिव्यू पोस्टर को प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारा जो लैपटॉप स्क्रीन है उस पर ढेर सारे आर्टिकल हैं जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखा है। इसको एक ओपन कर लेते हैं। जैसे ये एक आर्टिकल है, जर्नल ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, एक जर्नल का नाम है और ये टॉपिक है आर्टिकल का, स्टडी एंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक एंड हार्म ऑफ सर्फेक्टेंट्स, और ये राइटर्स हैं। ये 2014 में ये आर्टिकल प्रिंट हुआ था और ये वॉल्यूम 6 है और पेज नंबर 2233 to 2237 है। और इस आर्टिकल को हम रिव्यू करेंगे, रीड करेंगे, फिर इसका जो कंटेंट होगा, इसका जो मटेरियल होगा, उसको हम WPS या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख के रखेंगे, फिर उसको सीधे कॉपी पेस्ट करेंगे अपने पोस्टर या स्लाइड पे। फिर हम आगे बात करते हैं। ये हमारा है आर्टिकल पूरा। बात करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन से, हम अपना क्रोम खोल लेंगे। क्रोम से हम जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास ढेर सारे साइंटिफिक या पोस्टर लेआउट्स हैं, जिसमें से आप कोई सा भी पोस्टर का लेआउट डाउनलोड कर सकते हैं। लेआउट डाउनलोड करने के बाद इसमें आप ओपन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको साइज़ चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस साइज़ का पोस्टर मेकिंग करना है। तो जैसे 48x48 inches का है या 48x72 inches का है, तो इसमें से कोई भी पोस्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी साइज़ का। मेरा पोस्टर डाउनलोड होने लगा है 48x48 का। इसके बाद हम आपको QR मेकिंग सिखाएंगे, कैसे QR बनाया जाता है और उसको कैसे सेट किया जाता है अपने स्लाइड पे या पोस्टर पे। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। अब हम बात करते हैं QR कोड की। तो ये QR ओपन हो गया है। ये अब खुल चुका है। इसमें अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ये जो जितने ब्लैंक्स हैं आपको फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देने हैं। तो ये रहा मेरा ईमेल आईडी। यस, सबमिट एंड देन अपना ईमेल आईडी जो इस QR को स्कैन करने के बाद शो करेगा, नेम एंड ईमेल आईडी आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद ये हो गया, फिर मेरा ईमेल आईडी, सबमिट, मेरा QR कोड ओपन हो जाएगा और ये मेरे ईमेल आईडी पे सेंड हो चुका है। इसके बाद मैं अपना ईमेल आईडी ओपन करके देख लूँगा कि आया है कि नहीं। ये रहा मेरा ईमेल आईडी, ये आ चुका है मेरा QR कोड, इसको मैं ओपन कर लूँगा। ये मेरा QR कोड आ चुका है, इसे मैं सेव कर लूँगा और मैं इसे एक बार स्कैन करके चेक करूँगा कि मेरा QR कोड में क्या शो कर रहा है। ये मैं अपने मोबाइल स्क्रीन से इसके स्कैनर से इसको स्कैन करूँगा और चेक करूँगा कि ये क्या शो कर रहा है इसमें। ये मेरा ईमेल आईडी इसमें शो कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पे, जो कि मैंने टेम्पलेट को डाउनलोड कर रखा है, लेआउट को डाउनलोड कर रखा है क्रोम से। और इस क्रोम लेआउट पे मैं अपना डिज़ाइन करूँगा या जो भी कंटेंट इसमें मुझे डालने हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट या डालूँगा, फ़ोटोज़ या पिक्चर्स या टेबल्स जो भी है मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपना डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ जिसमें मैंने सारे कंटेंट स्टोर कर रखे हैं आर्टिकल को पढ़ने रीड करने के बाद। ये रहा मेरा टॉपिक और उससे रिलेटेड कंटेंट्स। अब इसका जो हेडिंग है उसको मैं कॉपी सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करूँगा, फिर ये हो गया कॉपी। उसके बाद इसको हम अपने पोस्टर पे टाइटल पे प्रिंट कर दें, पेस्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा हेडिंग। उसके बाद हमारा मेन फोकस होगा ऑथर के नेम, जैसे मेरा नाम जो है वो, और जो मेरे मेंटोर हैं या जो मेरे प्रोफेसर हैं या जो मेरे कोवर्कर्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर नीचे मेरे कॉलेज का नेम, फिर मेरी ईमेल आईडी, जो मेन वर्कर होगा उसमें से उसका ईमेल आईडी होगा। फिर इसमें इंट्रोडक्शन, नीचे मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन और जितने भी कंटेंट्स वो, पिक्चर्स, इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स, कंक्लूजन, रिजल्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स को इसमें इंक्लूड करेंगे।
ऑथर्स के नेम जो होते हैं वो उसमें सुपर स्क्रिप्ट वन एंड वन आपके जो मेंटोर होंगे उनमें दोनों पे लिखे रह जाएंगे क्योंकि सेम कॉलेज से बिलोंग करते हैं। एंड जो ऑथर मेन ऑथर का नेम होगा वो बोल्ड में होगा एंड अंडरलाइंड होना चाहिए। उसके बाद हम अपना जिसे कुछ पिक्चर्स हैं उसको हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट पे जाकर अपने पिक्चर्स को सेलेक्ट कर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ इस समय। और ये मैंने अभी सेट कर दिया है अपने पिक्चर को, ये हो गया। फिर अदर जैसे मुझे मोनोग्राम्स डालने अपने कॉलेज के या डिपार्टमेंट के या यूनिवर्सिटीज़ के, तो मैं अपने इंसर्ट में जाऊंगा और जो भी मोनोग्राम होगा उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और उसको वहां पे सेट कर दूंगा। और जो मैंने अभी क्यूआर कोड को मैंने डाउनलोड कर रखा है बनाकर, उसको भी मैं यहाँ पर सेट करूंगा। तो अभी इंसर्ट पर जाऊँगा और पिक्चर्स में, फिर ये रहा मेरा क्यूआर कोड डाउनलोडेड है जो कि मैं इसको सेट कर दूंगा लेफ्ट के अपर कॉर्नर में। फिर इसके बाद मेरा एक नॉर्मल सा लेआउट बन के तैयार हो जाएगा जिससे कि मैं एक पिक्चर के फॉर्म में डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ। ये रहा। उसके बाद अब मैं मेरा पोस्टर फाइनली बन के प्रिपेयर हो चुका है एंड इस पोस्टर को मुझे जेपीजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके बाद मैं क्रोम में जाऊंगा और पीपीटी टू जेपीजी कन्वर्टर में मैं अपने फाइल को अपलोड कर इसको कन्वर्ट कर लूँगा। ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पीपीटी सेलेक्ट, ये रहा मेरा पीपीटी, इसको सेलेक्ट कर लिया, अपलोड कर दिया, स्टार्ट कन्वर्जन एंड ये स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर में मेरा पीपीटी इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा इमेज डाउनलोड के लिए प्रिपेयर हो चुका है, रेडी हो चुका है, इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। मेरा पोस्टर फाइनली प्रिपेयर हो चुका है फॉर द सबमिशन और प्रिंटिंग। ये रहा मेरा पोस्टर जो मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं।